जिला सिरमौर में मॉनसून के चलते रोनहार क्षेत्र में बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। यहां पर जहां दर्जनों सड़कें यातायात की सुविधा के लिए बंद हो गई हैं, वहीं बीती रात को लानी बस स्टैंड के समीप एक खड़ी गाड़ी अचानक हुई भारी भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे गाड़ी पर एक बड़ा पेड़ व भारी मलबा गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह भूस्खलन रात करीब 9 बजे हुआ और सड़क पर खड़ी एक गाड़ी ऑल्टो के 10 दब गए। जैसे कैसे गाड़ी का नंबर पता चला तो गाड़ी मालिक को सूचित किया गया। गाड़ी मालिक केवल राम शर्मा बगनोल भी रात को मौके पर पहुंच गए। भारी भूस्खलन होने से गाड़ी नंबर HP 39D9764 क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत यह रही कि जैसे ही भूस्खलन हुआ उस समय गाड़ी में कोई भी नहीं था। भूस्खलन होने से गाड़ी का हॉर्न रात भर बजता रहा। गाड़ी मालिक केवल राम शर्मा ने स्थानीय पुलिस चौकी से रोनहाट को भी गाड़ी के दबे के बारे में अवगत करवाया है। उधर रोनहाट पुलिस चौकी में बात किए जाने पर बताया गया कि गाड़ी दबने को लेकर हमें फोन पर सूचना दी गई है। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए रोनहाट से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।